उसके बाद हम ये देखते हैं कि कौन से स्टेप्स अगर हम लें, नौजवान लें, कम्युनिटी ले, तो जिसकी वजह से इस क्लाइमेट चेंज के ऊपर काबू पाया जा सकता है या इसके असरात से किसी हद तक बचा जा सकता है। तो ये बात जहन में रखनी चाहिए। पहली बात ये है कि प्लांट और ट्रीज लगाएं, दरख्त लगाते जाएं, ये कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब करेगा, आपकी इन्वायरमेंट को बेहतर करेगा, ग्लोबल वार्मिंग से आप बचेंगे और आपके क्लाइमेट चेंज में जो है उसके असरात आपके कम से कम आएंगे। दूसरी चीज़ जो इंपॉर्टेंट है और नौजवानों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों के लिए, वो है टर्न ऑफ इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस। हम टीवी को भी रिमोट से स्लीप कर देते हैं, हम उसको ऑफ नहीं करते। हम इसी तरह से हमारी जो लाइफस्टाइल है ये हमारा इस तरह है कि हम चीज़ों को, हमारे बल्ब जल रहे हैं, हीटर हमारा वैसे ही ऑन है, तो ये सारी चीज़ों को टर्न ऑफ करना है। जब आपकी ज़रूरत नहीं है तो उसको ऑफ करें ताकि बिजली की कंजम्पशन कम से कम हो। फिर उसके बाद इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपने इस्तेमाल करनी है। मतलब जिस तरह मैंने आपको मिसाल दी थी कि एनर्जी सेवर बल्ब हम इस्तेमाल कर सकते हैं, बच्चों के लिए जो प्लास्टिक की डॉल्स हैं उसके बजाय क्लॉथ के डॉल्स हम उनको ला के दे सकते हैं। फिर इसी तरह से प्लास्टिक बैग्स के बजाय हम क्लॉथ के बैग्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद फॉलो 3R, 3R, बचत बचत बचत, यानी 3R क्या है, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। ये बचत बचत बचत, इन 3 R को फॉलो करके हम क्लाइमेट चेंज के असरात से बच सकते हैं। और स्प्रेड अवेयरनेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यूट्यूब के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए आप विलेजेस में एड्रेस करें लोगों को, और इसी तरह सोशल टूल्स जितने भी हैं इनको इस्तेमाल करके हम अपने अवेयरनेस जो है वो स्प्रेड कर सकते हैं। और इसमें बिलखसूस रोल आपके स्टूडेंट्स का हो सकता है, आपके असातिज़ा का हो सकता है, चूँकि ये सोसाइटी में गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। और उसके बाद जो फैक्टर आ जाता है वो है कि हम इम्ब्रेस करें सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हर बंदा जब घर से निकलता है, स्कूल की तरफ बच्चा जाता है, वो अपना बाइक लेके जाता है, अपनी गाड़ी लेके जा रहा है, प्रोफेसर अपनी गाड़ी लेके जा रहा है, उसकी मिसिज अपनी गाड़ी लेके जा रहे हैं, बच्चे अपनी गाड़ी में जा रहे हैं। हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को छोड़ दिया है। जितनी बड़ी गाड़ियाँ थी उनको छोड़ने की वजह से स्मोक बढ़ा, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ी, मीथेन बढ़ा, नाइट्रस ऑक्साइड बढ़ा, और उसकी वजह से आपकी ग्लोबल वार्मिंग हुई और क्लाइमेट चेंज से आप बुरी तरह मुतासर हुए। तो इसलिए हमें पहली बात है वॉक करना चाहिए, पैदल चलें, बाइकिंग की तरफ जाएं, साइकिलिंग की तरफ जाएं, वरना अदरवाइज आप जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें, बड़ी गाड़ी इस्तेमाल करें जिसमें ज्यादा पैसेंजर बैठे हैं और कम से कम उसमें से गैसेस का इखराज जो है वो ताकि हो। और उसके बाद ग्लीन एंड क्रीन इनिशिएटिव, जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने इसको जो है वो इनिशिएट किया था, और आज़ाद कश्मीर में भी जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे एक सिदारती के इमरान खान साहब, उन्होंने भी एक विजन दिया था। इसके ऊपर जो है हमें ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। इसमें एम फैक्टर आ जाते हैं, रिड्यूस पोल्यूशन, पोल्यूशन को हमने रिड्यूस करने की कोशिश करनी है, वाटर पोल्यूशन जो है इसको ख़त्म करने की कोशिश करनी है, और इसी तरह से जो सैनिटेशन का पूरा निज़ाम है इसको बदलने की कोशिश करनी है। तो तब जाके हम ग्रीन और क्लीन जो एनवायरनमेंट है, ये इनिशिएटिव्स हैं, उनके ऊपर आगे चल के आगे बढ़ सकते हैं।